हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीएस एलियट के एक बहुत ही फेमस पोएम द वेस्टलैंड की। दोस्तों, टीएस एलियट को इनकी पोएम को पढ़ने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। टीएस एलियट एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे पोइटिस्ट हैं और एक ऐसे क्रिटिक हैं जिन्होंने मॉडर्न लिटरेचर से लेकर क्लासिकल लिटरेचर को बहुत डीपली स्टडी किया था। टीएस एलियट ने, चाहे वो लैटिन भाषा हो, ग्रीक भाषा हो, या जर्मन भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, या फ्रेंच भाषा हो, और इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में भी टीएस एलियट बहुत अच्छे से जानते थे। और उन्होंने जो लिटरेचर पढ़ा है, उन्होंने चाहे वो एलिजाबेथन एज का लिटरेचर हो, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो ज्यूइश लिटरेचर हो, ग्रीक लिटरेचर हो, लैटिन लिटरेचर हो, या क्लासिकल लिटरेचर, कोई सा भी लिटरेचर हो, टीएस एलियट ने लगभग सब लिटरेचर को पढ़ा हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने बाइबल को भी बहुत ही डीप स्टडी किया था। और जो इंडियन मैथोलॉजी है, जो इंडियन लिटरेचर है, क्लासिकल लिटरेचर है, चाहे वो उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, तो इसके बारे में भी टीएस एलियट को बहुत ही अच्छे से जानकारी थी। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इस पोयम को पढ़ेंगे तो इस पोयम के अंदर टीएस एलियट ने इन्हीं सब चीजों का जिक्र किया है। कहीं पर उनकी लैंग्वेज संस्कृत हो जाती है, कहीं पर उनकी लैंग्वेज फ्रेंच हो जाती है, और कहीं पर उनकी लैंग्वेज, उनके डायलॉग जर्मन लैंग्वेज में चलेंगे, उनके जो कैरेक्टर हैं कहीं वो ग्रीक लिटरेचर से कैरेक्टर को लेंगे, कहीं से भी वो, कहीं वो क्वीन एलिजाबेथ को लिखेंगे और कहीं वो उनके लवर अर्ल ऑफ लिसेस्टर को लिखेंगे। तो इस तरह से इन्होंने सारी चीजों को मिलाकर एक पोयम लिखी है जिसका नाम उन्होंने दिया है द वेस्टलैंड। इस पोयम को अगर आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस पोयम को आप लाइन बाय लाइन जो इन्होंने लिखा हुआ है आप उसको इस तरह से समझ लेंगे तो ये इनफ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पोयम के अंदर इतने रेफरेंसेस हैं, और रेफरेंस भी ये नहीं कि केवल मॉडर्न एज के रेफरेंसेस हैं, कहीं पर इंडियन फिलोसफी, इंडियन जो लिटरेचर है, इंडियन साहित्य है, कहीं उसका रेफरेंस मिलेगा, कहीं पर आपको ग्रीक जो है रेफरेंस मिलेगा, कहीं किसी का, कहीं किसी का। तो कहने का मतलब तो ये है कि ये तो पोयम समझ में आना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप इसको जब लाइन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वो काफी हो जाता है, क्योंकि पेपर के अंदर सिर्फ लाइन दे दी जाती हैं और उसमें से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पोयम को जानने से पहले आपको टीएस एलियट के बारे में कम से कम इतना पता हो कि टीएस एलियट एक मॉडर्न एज के, जो मॉडर्न एज जो शुरू हुई उसके एक बहुत ही बड़े पोएट और क्रिटिक हैं। इस पोयम का जो टाइटल आप देख रहे हैं द वेस्टलैंड, हालांकि आज इस पोयम को इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी जानना चाहिए कि इस पोयम का नाम हमेशा से ये नहीं था, बल्कि इससे पहले इसका नाम था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ठीक है, और ये जो टाइटल लिया था टीएस एलियट ने स्टार्टिंग में, उन्होंने चार्ल्स डिकन्स का एक नॉवल है अवर म्यूचुअल फ्रेंड, वहां से उन्होंने एक टाइटल को लिया था। टाइटल का नाम क्या था? ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। लेकिन बाद में किसी वजह से टाइटल को चेंज कर इन्होंने टाइटल दिया इसका द वेस्टलैंड। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीन वर्ड हैं, द अलग है, वेस्ट अलग है, और लैंड अलग है, तो आपको ये तीन वर्ड में ही याद रखना है। ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि वेस्ट लैंड को एक साथ लिख देंगे, दो वर्ड बना देंगे, द को अलग लिख के वेस्ट लैंड को एक साथ लिख देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ सही टाइटल क्या है, तो आपको सही टाइटल का, क्योंकि फेमस पोएट है टीएस एलियट, तो इसकी, और ये फेमस पोयम भी है द वेस्ट लैंड, तो इसकी छोटी छोटी बातों का आपको कम से कम पता हो। द वेस्ट लैंड ये बेसिकली थ्री वर्ड है। ठीक है, जब टीएस एलियट इस पोयम को लिख रहे थे, वेस्ट लैंड को जब वो लिख रहे थे, तो उस समय वो दो जो फेमस बुक हैं उनको पढ़ रहे थे, जैसे कि हेनरी जेम्स के एक वर्क है द गोल्डन बाउल, है ना, सोने का कटोरा, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, तो उसको पढ़ रहे थे द गोल्डन बाउल को, और सेकंड जो वर्क है वो पढ़ रहे थे जैसी वेस्टर्न का फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस को, तो ये दो वर्क वो पढ़ रहे थे इसको लिखते समय। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस पोएम के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है।
सबसे पहले इस पोएम को 434 लाइन में लिखा गया, यानी 434। ये आपको याद रखना है कि वेस्टलैंड को 434 लाइन में लिखा गया है और इसको 1922 में पब्लिश किया गया। पब्लिश कब हुई ये पोएम? ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1922 में इस पोएम को पब्लिश किया गया। और इसका वर्स कैसे है? फ्री वर्स में इसको लिखा गया है, कोई वर्स नहीं है, कोई मीटर नहीं है, बल्कि इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। सबसे पहले टीएस एलियट, जैसे कि आपको पता है कि रहने वाले ये इनके इनका जो जन्म है वो तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन बाद में ये इंग्लैंड में आकर बस गए थे, यूनाइटेड किंगडम उस समय हुआ करता था। तो इनका जो वेस्टलैंड है सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में पब्लिश हुआ। और कहाँ पब्लिश हुआ था? द क्राइटेरियन, ये उस समय की एक पत्रिका है, मैगजीन है, तो द क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ। और उसके बाद में यूएसए में पब्लिश हुआ और वहां की जो मैगजीन थी उस समय द डायल है ना, तो द डायल में। ये आपको इसके रिलेटेड जो पब्लिकेशन रिलेटेड बातें वो याद रखना है। तो सबसे पहले यूके में द क्राइटेरियन में पब्लिश हुई थी ये पोयम वेस्टलैंड, और उसके बाद यूएसए में द डायल में इसको पब्लिश किया गया। अब बेसिकली इस पोयम के अंदर टीएस एलियट ने 5 सेक्शंस को रखा हुआ है। पहले सेक्शन से द बरियल ऑफ द डेड, सेकेंड अ गेम ऑफ चेस, थर्ड द फायर ऑफ सरमन, डेथ बाई वाटर, वार्ड द थंडर सेड। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। पहला सीक्वेंस कौन सा, पहले नंबर पर कौन सा सेक्शन है, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। क्रोनोलॉजी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि मैं याद रखता हूँ कि किसी इंसान की जो है डेथ हो गई, कोई इंसान मर गया है, तो बेसिकली किसी इंसान की डेथ हुई है। अब आप उसको कहाँ लेकर गए? बरी। आप उसको बरी करने के लिए गए, उसको दफनाने के लिए गए, उसको कब्र में रखने के लिए, जलाने के लिए गए, जहां भी आप उसको लेकर गए, तो वहां जाकर आप जो है गेम खेलने लगे कि ठीक है भाई थोड़ा सा समय है, चलो थोड़ा सा हम गेम खेल लेते हैं। तो वहां पर आप गेम खेलने लगे। जब आप गेम खेल रहे थे तो उसी समय उस चिता को आग लगा दी गई है ना, यानी आप तो गेम ही खेलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि उस चिता को तो फायर यानी उस चिता को जला दिया गया, ठीक है। और जैसे ही वो आग लग रही थी आपको गुस्सा आया, तो फिर आपके गुस्से की वजह से उस चिता को पानी की वजह से बुझा दिया गया, ठीक है। आग लगी पहले और फिर पानी डालकर उस आग को बुझा दिया गया। और उसके बाद पानी के साथ साथ पहले बारिश पड़ी और फिर आसमान में जो थंडर है, जो एक गर्जन है, वो देखी गई, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? किसी इंसान की डेथ हुई है और उस इंसान को बरी करने के लिए लेकर चले गए। वहां जब कुछ लोग उसकी तैयारी में लग रहे थे, आप दोस्तों ने हमने सोचा कि चल भाई दो दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, मिलकर इतने गेम खेल लेते हैं, तो आप गेम खेलने लगे। उसके बाद में जब आप गेम खेल रहे थे तो पता चला कि दूसरी तरफ जो वो मैयत है, जो वो आपकी अर्थी है, उसको आग जला दी गई, चिता को जला दिया गया। लेकिन आपको ये देखकर गुस्सा आया, तो फिर क्या हुआ? जब आप गुस्सा हो रहे हैं तो उसी समय पानी डालकर उस आग को बुझा दिया गया और उसी समय फिर थंडर भी देखा गया, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस आप जैसे चाहें इसको याद रख ले, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। इनकी लाइन भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले द बरेल ऑफ द डेड में 7 6 लाइन है, यानी 76 लाइन है, दूसरे में 96 लाइन है। ये याद आसानी होता है, 76 96 दोनों 6 6 से हैं, ये 76 96। तो पहले और दूसरे में 76, पहले में 76 दूसरे में 96, ये जो है इसका ये सबसे बड़ा पार्ट है। पूछ ले जाता है कि जो 5 सेक्शंस है उनमें सबसे जो लेंथीएस्ट पार्ट है, सेक्शन है, वो कौन सा है? तो वो फायर वाला है, ठीक है, यानी आग बहुत देर तक जलती रही। और सबसे जो छोटा है पानी, थोड़ा सा पानी डालकर उस आग को बुझा दिया गया है ना, तो ये 10 लाइन है इसमें केवल। और जो फिर थंडर है, जो गर्जन है, उसमें 113 लाइन है, ठीक है। तो याद रहेगा सीक्वेंस, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला 5 सेक्शंस वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा है और उससे छोटा सेक्शन कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पोयम के अंदर एक जो पेट्रोनियस है उनका जो एक वर्क है, सैट्रिकन जो है पेट्रोनिकस की, उसका एपिग्राफी पोएम के अंदर यूज किया गया है। ये आपको याद रख लेना है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि पेट्रोनिकस का जो सैट्रिकन है उसका एपिग्राफ पोएम में रखा गया है। और बेसिकली ये जो पोएम डेडिकेट की थी टीएस एलियट ने, ये एजरा पाउंड को डेडिकेट की थी। और जब उन्होंने उनको डेडिकेट किया था पोएम, तो उन्होंने कहा था एजरा पाउंड को बेटर क्राफ्ट्समैन, यानी जितना अच्छे से एडिटिंग इसकी एजरा पाउंड कर सकते हैं, इतना अच्छे से कोई नहीं कर
कर सकता। तो एज़रा पाउंड को उन्होंने बेटर क्राफ्ट्समैन कहा था। आपको यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है कि ये पोयम शुरू से 434 लाइन की नहीं, यानी 434 लाइन नहीं है इसमें शुरू से। कहा गया है कि इस पोयम के अंदर 1000 से भी ज्यादा लाइन थी शुरू में, लेकिन एज़रा पाउंड ने जब इसको एडिट कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इसके बहुत सारी आधे से ज्यादा लाइन को उसने निकाल लिया था। ठीक है, तो इसका जो एडिटिंग की है पोयम की, एज़रा पाउंड ने की है। इस पोयम की जो थीम है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है। देखो, इस पोयम को पब्लिश कब किया गया, 1922 यानी 1922 में इसको पब्लिश किया गया। और ये दौर किसका चल रहा था, आपको अगर याद हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक रही, ये 1914 से 1918 है ना, 1914 से 1918 तक ये वर्ल्ड पीरियड है। तो उसके बाद में है ना, 1922 चार साल बाद है, और जंग एकदम तो नहीं रुक जाती, थोड़ा 1920 थोड़ी थोड़ी चलती रही होगी। तो कह रहे हैं 1922 में जब इसको लिखा गया तो टी एस एलियट ने जो वर्ल्ड वार में, जो पूरी दुनिया में एक जंग लड़ी गई है, उसके अंदर जो नुकसान है, उसके जो नेगेटिव आइडियाज लोगों के अंदर आ गए थे, उन चीजों का इसमें जिक्र किया है। देखो तो क्या क्या थीम है, कह रहे हैं डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पास्ट वार जनरेशन, कि जब वो जंग जो चल रही थी, जो कि अभी अभी बंद हुई है, उसका क्या डिसइल्यूजनमेंट, कि लोगों के अंदर जो उसको लेकर जो नेगेटिव आइडियाज आए, नेगेटिव थिंकिंग आई, परेशानी समस्या जो लोगों के अंदर आई, उसका जिक्र है। सेक्सुअल कह रहे हैं परवर्जन, सेक्सुअल परवर्जन की बात की है, और लॉस ऑफ फेथ इन रिलीजन एंड मोरालिटी, के लोगों का जो फेथ है वो खत्म हो गया था रिलीजन से भी और मोरालिटी से भी, यानी किस तरह से लोगों का जो एक विश्वास होता है धर्म और मोरालिटी को लेकर, वो कैसे खत्म हो गया। लोगों ने कहा था कि हम तो धर्म को मानते आ रहे हैं, कि धर्म हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारी रक्षा करेगा, खुदा हमारी हिफाजत करेगा, इन सब चीजों के ऊपर हमारा विश्वास था। लेकिन जंग में देखा गया कि ना तो यकीन ना कोई काम आया, ना ही खुदा कोई किसी काम आए, ना ही देवी देवता किसी काम आए। तो एक तरह से लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो स्पिरिचुअलिटी से हटती चली गई। उनका जो यकीन था धर्म के ऊपर, किताबों के ऊपर, अपने जो रिलीजियस जगहें हैं, स्थान हैं, उनसे धर्म हटता चला गया। और जो अच्छी बात है मोरालिटी, जो अच्छी बात है जैसे चोरी नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, सच बोलना है, इन सब चीजों से विश्वास उठता चला गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा था। तो एक ऐसा समय था जिसमें लोगों का धर्म से और मोरालिटी से, अच्छी बातों से विश्वास लॉस हो गया, खत्म हो गया। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, के इंसानों का जो आपस में एक रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया। ये बात आई सामने कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी जासूसी कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी जाके मतलब कुछ भी करे। तो लोगों का जो एक रिलेशनशिप था, इंसान जो पहले जंगल में अकेला होता था, वो किसी दूसरे इंसान को देखकर खुश होता था कि चलो कम से कम मुझे मेरा एक साथी मिल गया है। लेकिन अब इंसान इंसान से डरने लगे, दूरियां बनाने लगे आपस में, है ना। तो जो एक रिलेशनशिप है इंसानों का, वो बीच से खत्म होने लगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ, इंसान की जिंदगी कमर्शलाइज हो गई, यानी बस जीवन का क्या मतलब हो गया, कमर्शलाइज यानी पैसा कमाना, बस आपको पैसा कमाना है। सच्चाई क्या है, दोस्ती क्या है, फैमिली क्या है, ये सब चीजें क्या है, इनसे कोई मतलब नहीं, धर्म क्या है, कुछ भी लेना देना नहीं है। लाइफ कैसे हो गई, कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ एक तरह से कमर्शली बन गई है, आपकी लाइफ एक इंडस्ट्री बन गई है, एक कंपनी बन गई है, आप बस कुछ भी नहीं बचा। मेंटल टेंशन, इंसान की जो दिमागी टेंशन है उसको दिखाया है, कि इंसान भागे जा रहा है, बस ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, किसी से मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स, और जो पॉलिटिक्स है उसको भी दिखाया है। तो ये इंपॉर्टेंट थीम आपको याद रखनी है इस पोएम को लेकर, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पोएम जो शुरू होती है वो बहुत ही फेमस लाइन टी एस एलियट ने यूज की है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये अभी जाती है कई बार। इस पोयम की शुरुआत इस लाइन से होती है, टी एस एलियट ने कहा है कि जो अप्रैल का महीना है वो बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरा है। ऐसा क्यों? हालांकि दूसरी तरफ जो चौसर है, जेफ्री चौसर, जो अपनी पोयम को शुरू करते हैं कैंटरबरी टाइम्स को, वो तो उसको अच्छा बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टी एस एलियट ने अप्रैल के महीने को अच्छा नहीं बताया।
इसकी कई वजह हो सकती है। मैंने कहा था शुरू में कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर इसका आप रेफरेंस निकालना चाहें तो इस महीने में जीसस क्राइस्ट को फांसी दी गई थी, तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत होती है अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ से होती है, और ये जो पोएम खत्म होती है वो भी बहुत ही फेमस पोएम है, और संस्कृत की लाइन है, तो देखें फ्रेज है शांति शांति शांति। टीएस एलियट दुनिया से बस यही कहते हैं लास्ट में कि शांति शांति शांति। तो आपने देख लिया ना कि देखो संस्कृत को भी अपनी पोएम के अंदर यूज कर रहे हैं, और कैसी पोएम जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है, जिसके लिए टीएस एलियट को जाना जाता है, तो उसके अंदर संस्कृत का भी यूज है। जब आप पढ़ेंगे उसमें फ्रेंच का भी यूज है, उसमें जर्मन लैंग्वेज का भी यूज देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत होती है अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ से और लास्ट होता है शांति शांति शांति। इसके अलावा जो पोयम का जो नैरेटर है जो कि सारी बात को बता रहा है, क्योंकि पोयम बहुत पता नहीं कभी कहीं चली जाएगी, कहीं भी कहीं क्लासिकल जो एज है उसमें चली जाएगी, कहीं मॉडर्न एज में आ जाएगी, कहीं एलिजाबेथन एज में पहुंच जाएगी, तो पोयम जो है कहीं भी शिफ्ट हो जाएगी। आप ये ना सोचें कि बस एक सीक्वेंस में पोयम चलती जा रही है, नो, इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी पोयम कहीं जाएगी कभी पोयम कहीं चली जाएगी, इस तरह से। तो इसके अंदर जो एक नैरेटर है, अब इतने लंबे समय तक एक इंसान तो नहीं रहेगा कि कोई इंसान ग्रीक एज में भी है और जी मॉडर्न एज में भी है, एलिजाबेथन एज में भी है, चौसर के एज में भी, ऐसे तो नहीं रहेगा। तो उस इन्होंने टीएस एलियट ने ये सब चीजों को दिखाने के लिए टेरेसियस का यूज किया है। ठीक है, टेरेसियस इस पोयम के नैरेटर है, क्योंकि माना जाता है कि टेरेसियस शुरू से हैं और अब तक ये चले आ रहे हैं, और जो भी दुनिया में चल रहा है, एक तो सैटन है जो शैतान है, वो इस तरह से है कि वो दुनिया जब से शुरू हुई है वो जब से ही है सैटन शैतान, और आज तक चला रहा है और चलता रहेगा। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर जो टेरेसियस है, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि जब से दुनिया शुरू हुई है ये तब से है और ये रहेगा, इसने सब चीजों को देखा है, सारी एज सारे दौर इसने देखे हुए हैं। टेरेसियस के बारे में बात मशहूर है कि टेरेसियस आधा मेल है और आधा फीमेल है, यानी आधी औरत है ये और आधा मर्द है। पोयम के अंदर बहुत अच्छे से इसका भी जिक्र है। इसका जो टाइटल, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, द बरियल ऑफ द डेड, ये टाइटल फ्रेजर की गोल्डन बुक से लिया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन है ना, बरियल ऑफ द डेड, वो उसको दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेजर की द गोल्डन बुक से। और सेकंड जो सेक्शन है, अब उसको दफनाने के लिए ले गए थे तो फिर वहां पर बैठकर वो चेस खेलने लगे। तो ये जो चेस वाला जो ये है जो आप टाइटल है, ये कहाँ से लिया गया है, ये मिडलटन का एक प्ले था, वीमेन बिवेयर वीमेन। ठीक है, यहाँ से इसको लिया गया है। अच्छा, चेस खेलते खेलते फिर वहां पर चिता में आग लगा दी गई थी, तो उस ये जो फायर सरमन है, ये तो आपको पता ही है, सरमन सरमन किसके मशहूर है, लॉर्ड बुद्धा के। अब यहाँ पर देखें फिर इंडियन मैथोलॉजी का जिक्र है, ऊपर संस्कृत का और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा का जिक्र इन्होंने किया है। तो ये थ्री जो टाइटल है वो यहाँ से लिए गए हैं, और जो इससे पहले जो हमारी पोयम का जो टाइटल था वो कहाँ से लिया गया था, वो चार्ल्स डिकिंस के अवर म्यूचुअल फ्रेंड से लिया गया था, इसका पहला पुराना टाइटल वेस्टलैंड का। ये पोयम का टाइटल ये देख रहे हैं कि आप, ही डू द पुलिस इज डिफरेंट वॉइसेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोयम का पहले टाइटल क्या था, ही डू द पुलिस इज डिफरेंट वॉइसेस, और ये चार्ल्स डिकिंस की अवर म्यूचुअल फ्रेंड से टाइटल लिया गया है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर हैं जिनका जिक्र आप पोयम के अंदर देखेंगे, तो आप उनको जान ले कौन कौन इसके कैरेक्टर हैं। टेरेसियस, ये तो आप समझ ही गए हैं, टेरेसियस आधा इंसान है और आधी औरत है, आधा मर्द आधी औरत। इसके अलावा मैडम सोसोस्ट्रीस हैं, इनका काफी अच्छे से जिक्र है, स्टेटसन है, मिस्टर यूजिनाइड्स हैं, फ्लेबस हैं, फिलोमल है, मैरी, इसके अलावा हयासिंथ गर्ल, लिल, एल्बर्ट, क्वीन एलिजाबेथ, देखिए आप क्वीन एलिजाबेथ के समय की भी बात हो रही है, और क्वीन एलिजाबेथ के एक लवर हैं अर्ल ऑफ लिसेस्टर, ये भी इनका भी जिक्र है इसके अंदर, और एक टाइपिस्ट गर्ल। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हैं। अब हमने इसके अंदर सारे कैरेक्टर को देख लिया है, इसके सारे जो थीम है इम्पोर्टेंट थीम है उनको देख लिया है, लाइन इसके जो सेक्शन है वो कितने हैं, कितनी कितनी लाइन है वो भी हमने देख लिया। तो ये इसका एक बेसिक जो है आइडियाज था पोएम को लेकर। इसके अलावा हम इसके जो सेक्शन से उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।